Hi guys. Guys, हमारे पास आपके लिए दो गुड न्यूज है. एक तो पहली हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है एंड दूसरी जो हमारी कॉलेज की दोस्त है आयशा उसकी शादी होने जा रही है. तो ये वाला ब्लॉग जो है वो आयशा की शादी के ऊपर होगा. ठीक है, सो हम लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी. ओके गाइज, थैंक यू, देखते रहना हमारा ब्लॉग. Hey लवली, सो वी आर रेडी, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद. ताड़ा. सो गाइज, यहाँ का रास्ता भी बहुत प्यारा था. मतलब आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है. और ये मेरी दोस्त मेरी वीडियो ख़राब करते हुए. सो गाइज, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त ममता. और हम लोग पहुँच गए हैं अभी उत्तरकाशी. आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लोकेशन है. बट हम रात को पहुँचे तो अभी रात को कुछ ज़्यादा दिखा नहीं. हम लोगों ने एक छोटी सी डांस परफॉर्मेंस रेडी की थी आयशा के लिए. और हम लोग थोड़ा सा नर्वस भी हो गए थे, थोड़ा कुछ उल्टा सीधा कर दिया. बट स्टिल उसको पसंद आया, वही हमारे लिए काफ़ी है. Finally, the wait is over. Here comes our bride, Aisha. तो यहाँ पे हमारी दुल्हनिया जो है वो थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी. आयशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम उसकी शादी में हैं फाइनली. गाइज, यू कैन लिसन इट, ये पहाड़ी बीट है. ठीक है, हमें नाचना तो आ नहीं रहा था सिर्फ, बट फिर भी हम थमक रहे थे. अपनी साइड से हमने पूरी कोशिश की, इतना बेस्ट दिया नाचने का. और इससे ज़्यादा गंदा डांस आई डोंट थिंक कोई कर सकता है. यहाँ पे आशी भैया मुझे बोल रहे हैं कैमरामैन बुलाया हुआ है हमने, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है. और ये मैं अपने ब्लॉग के लिए करी थी, उन्हें पता भी नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं है. भाई साहब, आज ये दुल्हन जितना नाची है ना, आई डोंट थिंक अपनी लाइफ में इतना वो कभी नाची होगी. और हमें भी जो उसे नचाया है ना, क्या ही बताऊं. भैया रात के 2 बज चुके हैं, ये नहीं रुकने वाले अब बिल्कुल भी नहीं. So guys, now time for their cultural dance. Good morning, friends.
सो दिस इज अवर नाश्ता बाय अवर दुल्हन. ये हमारी नई दोस्त, ये मीनाक्षी और ये मैं कैमरे के पीछे. सीम्स टेस्टी. गाय का ताजा ताजा दूध हमारी दुल्हन हमारे लिए लेके आई है. देखो आशु को दे दे. दिस इज आयशा का घर. दिस इज हमारी बिजी दुल्हन. आपके बारे में हेलो गाइस, हम लोग आयशा की शादी में हल्दी में. हाय ब्राइड टू बी, कैसे लग रही है मीनाक्षी? हल्दी भी हो गई है अब. एंड इसके बाद जो आप लोग देखोगे ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है. सो मिस मत करना, ठीक है? देखते रहो. एंड दिस वॉज द बेस्ट पार्ट आई हैव सीन. आई थिंक मैंने अपने कल्चर में तो आज तक कभी देखा नहीं है ऐसा हल्दी के टाइम पे स्पेशली. तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वहाँ की भी. मतलब जो ये सिस्टम था उनका डोली वोली भगवान जी का ना, तो मतलब ये मैंने पहली बार देखा एंड इट इज़ सो हार्ट टचिंग यार. गाइज मतलब इट मीन अ लॉट टू मी कि मतलब आई एम विटनेसिंग दिस. और गूज़बम्स आ रहे थे सीरियसली. ये सिचुएशन देख के ना बहुत ज़्यादा अंदर से गूज़बम्स आ रहे थे. एंड थैंक यू सो मच आयशा, मतलब तेरी वजह से हम ये सब देख पाए सीरियसली. ये गांव की शादी में खाना खाने आए. इधर बैठ के खाएंगे. देखो ऐसे वीडियो ब्लॉग में जाएगी मेरे. चलो भाई. हाय गाइस, गांव की शादी में खाना खाने बैठे हुए. अंकल जी हमने पत्तल बांटे हुए. नई नवेली दुल्हन. ये लड़की ना बहुत ज्यादा स्वीट है, इसने हमारा बहुत ध्यान रखा पूरी जर्नी में. एंड आई एम मिसिंग हर. सी भात बेटा यार, दाल खा ले. ये ममता दी भात लेते हैं बहुत सारा. बहुत सारा बस बस बस. और ये मीनाक्षी सोचते हुए भात की शक्ल देखते हुए. मैन स्पून चाहिए इसे इस पागल को. देख रहे हो स्पून चाहिए. अभी हाथ से खाते हुए दिखाएंगे इन्हें. अरे ये लड़की कंफ्यूजन में, साड़ी पहनूं लहंगा पहनूं समझ नहीं आ रहा. देखो
मीनाक्षी नहीं नहीं ये बेचारी बैठ गया फाइनली उतर गई ये पूरे ट्रेन पहाड़ी है जंप मार कहेंगे प्रेजेंटिंग दुल्हन के भैया ये मैं हूँ ये आयशा है और ये आयशा की शादी हो रही है ये भाई देखो बरातियों का डांस क्या जम के नाच रहे हैं ओके द दूल्हा एंड दुल्हन डांसिंग विद दूल्हे के मामा ये बाराती नाचते नाचते चाय की घुट्टियाँ मारते हुए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड थी तो सब लोग चाय पीने में ही लगे थे गाइस नाचना नहीं आता बट स्टिल कोशिश तो की बट नाकामयाब रहे इनकी तरह इतना अच्छा नहीं नाच पाए हम आयशा की शादी का खाना खाते हुए टू बी कंटिन्यूड प्रेजेंटिंग हमारे दूल्हा एंड दुल्हन भोजन के लिए हाँ भोजन के लिए शाही भोजन खान खान बैठने लगा तो कैसा लगा आपको हम आपकी शादी में आए कुछ तो तारीफ के वर्ड बोलो आयशा थोड़ी तो तारीफ करो थोड़ी तो तारीफ करो हाँ कर तो हाँ बस अच्छा करो भैया पहले इधर लगाइए हमारा आशु भैया फर्स्ट टाइम इन माय ब्लॉग अच्छा लो फिर से की हाय आशिया क्या लिखा है मैंने भी दिखाओ जरा देखो कितना कितना प्यार अपनी बहन से प्यारे भैया मेकअप किया है देखो देखो मेकअप देखो ज्यादा ही हो गया दांत चमक रहे ठीक है आशिया याद रहेगा ये आशिया के फेवरेट दोस्त जिनको फेमस करना चाहते हैं देखो कुछ बोलो देखो यार अर्जुन रावत बहुत शर्मिला बंदा है भाई ओके अर्जुन रावत अर्जुन रावत ठीक है और कुछ हो गया सो गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं और आयशा के फेरे चल रहे हैं और हम लोगों को जाना भी है अभी तो आई थिंक हम पूरी शादी नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी बस का टाइम भी हो गया है सो देखते हैं
तो अब हम देहरादून वापस जा रहे हैं एंड याशु भाई के दोस्त लोग हैं जो हमें छोड़ने जा रहे हैं एंड दे आर सो स्वीट. वो हमें लेने भी आए थे और अब छोड़ने भी जा रहे हैं. यू कैन सी दीज गाइज आर सो प्यारे. ये हमें लेने भी आए छोड़ने भी आए और बहुत खातिरदारी की थी, बहुत ध्यान रखा. थैंक यू गाइज. मन तो बहुत था रुकने का बट रुक नहीं सकते थे क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास. और देख सकते हो कितना प्यारा है उत्तरकाशी एंड आई होप हम लोगों को चांस मिले फ्यूचर में फिर से जाने का और घूमने का. यहाँ पे एंटर कर रहे हैं हमारे लवली कपल मिस्टर एंड मिसेस नोटियाल ऑन द रिसेप्शन एंड वी मिस्ड इट यार सीरियसली. सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम आयशा की शादी और यू नो मतलब हम लोगों का ना आने का सीरियसली दिल ही नहीं था आने का क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था. एटलीस्ट मतलब ये था हम उनसे फर्स्ट टाइम मिले बट ऐसा लगा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं. सीरियसली सब लोग इतने सुपर्ब थे क्या ही बताऊँ. मतलब इतना अपनापन और मतलब आते आते तो सीरियसली रोना ही आ गया कि आने का मन ही नहीं था लेकिन जल्दीबाजी में आना पड़ा. पूरी शादी भी अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम था हमारे पास. बट आई होप इन फ्यूचर दोबारा मौका मिले. और उत्तरकाशी सच में बहुत अच्छी प्लेस है मतलब बहुत ही प्यारी जगह है. हाँ ठंड भी बहुत है ठीक है. सो आई होप इन फ्यूचर चांस मिले हमें भी कि हाँ हम लोग भी जाएँ घूमें. और मतलब वही अब ब्लॉग तो मैंने इतना परफेक्ट शूट नहीं किया है लेकिन थोड़ा सा मतलब वो ना मुझे रस्ते में याद आया अरे मतलब लाइक ब्लॉग भी बनाना चाहिए ना इतनी दूर आए हैं तो वो आधे से स्टार्ट किया था. सो इसीलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं है एड्रेस में ना. सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड कीप सपोर्टिंग गाइस कीप लविंग.